नमस्कार। अगर मियाँ मिठू का नाम से नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए या जान लीजिए। ये जो सीमा वाला मामला, ये मोहल्ला गली का इश्क नहीं रहा, इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच गया। और डकैत तो वगैरह पाकिस्तान सरकार को बोले हैं कि भारत से बातचीत करके निपटाइए, नहीं तो काट डालेंगे वहां पर, जो पाकिस्तान में हिंदू लोग हैं उनका मंदिर में तोड़ देंगे। मियां मिट्टू का नाम नहीं सुने हैं, एक बार सुन लीजिए। मियां मिट्टू इतना बदनाम आदमी है कि ये जितना धर्म परिवर्तन होता है हिंदू बच्चियों का पाकिस्तान में, सिंध में, कराची, उस सब एरिया में, सखर पकर बड़ा अजीबो गरीब नाम है, उस सब में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता, वही दादा है वहां। मामला अब इज्जत बेइज्जती पे बढ़ गया है। अच्छा, वहां इतना खबर आता रहता है, जो खबर आता है, जो नहीं आता उसमें कितना सा होगा वही जाने। जो खबर निकल के आ जाता है अखबार में, टीवी पर, उसमें इतना हिंदुस्तानी बच्चियों का धर्म परिवर्तन करके बुजुर्गवार लोग, हाँ बुजुर्गवार लोग शादी बना लेते हैं। लेकिन ये जो सीमा है, ये मुस्लिम कैसे हिंदू की बीवी बन जाएगी, या कैसे हिंदू धर्म परिवर्तन, काफिर सुनते हैं, जानते हैं काफिर, सुनिए नहीं ठीक, अच्छा नहीं लगता है काफिर हो फिर, लेकिन क्या करिएगा, अभी दुनिया में रहना है तो ये सब सुनना समझना पड़ेगा ही। लेकिन एक बात जान लीजिए, स्टोरी सीधे सीधे इतना आसान नहीं है, बड़ा ट्विस्ट है। कैसे कैसे वो चार बच्चों को लेकर के दुबई गई, कराची के एक मोहल्ले से, सड़ा गला मोहल्ला। उसका पति जानते हैं, अभी तो सऊदीया में है, लेबरवरी कर रहा है, पहले वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा प्रिंटिंग चलाता था, तो सोचिए कौन से स्तर की रही होगी। इतना कैसे हो गया कि वो चार बच्चों का व्यवस्था करना, वहां से दुबई जाना, आप पढ़ी लिखी भी नहीं। मैं तो उनका इंटरव्यू सुना, तो कुछ पीपीएमएस बता रही थी, पीपीएमएस जानते हैं, प्राइमरी पास मिडिल फेल। तो कैसे कैसे ये वीसा लगाई, आखिर ऑनलाइन ने तो भरना पड़ा होगा ना, कैसे कैसे वहां से दुबई चली गई, दुबई से नेपाल चली गई, नेपाल से काठमांडू, जहाज उतरा होगा ना, वहां से पोखरा आई होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि चार बच्चे उसके साथ हमेशा थी। अब वो चारों बच्चे कैसे है पता है, हम जानते कि एक तो पांच का होगा, एक तो साढ़े तीन का होगा, एक तो अढ़ाई का होगा, एक तो डेढ़ दो का होगा, ऐसे ही है साइज। ये सब क्या कहते हैं, एल एम एस और एक्स्ट्रा स्मॉल टाइप का ही है। वो सबको लेकर के कैसे सीमा वहां से कराची पाकिस्तान से यहां नोएडा पहुंचाए, आसान नहीं है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यासाई का चाल है, लेकिन हम आपको कहानी शॉर्टकट में बता दें, मेरा अपना जो सोच है, जितना थोड़ा बहुत हम जानते हैं भारतीय संविधान कानून के बारे में, वीसा उसा आपके पास है नहीं, और ये दिल वाला बात सचिन करें चाहे कोई करे, उसको माना नहीं जाएगा। और वो मियां मिट्ठू और डकैत कितनों मार देंगे, काट देंगे, करें, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा पुराना वीडियो भी हम लिंक दे देंगे, देखिएगा, साफ बताए हैं हम कि बहुत ऐसा भारत के कानून में नियम कानून है कि उनको तो वापस जाना ही है, उसमें कुछ कर किया नहीं जा सकता। तो छोड़िए, अब यह कहानी खत्म हो, लेकिन एक बार जान लीजिए कि कहानी साहब पूरा सोशल मीडिया हिल के रह गया है। इतना बड़ा बात हो गया कि हम तो देख रहे हैं, कब कहे कि इससे बड़ा समस्या ही नहीं है कोई विश्व में, और टाइम पास करने का। लेकिन ये जान लीजिए कि ये जरूर है कि एक बार हिला के रख दिया है इस न्यूज ने, इस पूरा
हिसाब किताब ने कि अगर वो सही कह रही है कि वहां से कराची से वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से पोखरा गई, नेपाल में पोखरा, और वहां से बस पकड़ी 4 बच्चों के साथ आ गई दिल्ली तक, कोई पाकिस्तानी आ सकता है? कोई उग्रवादी आ सकता है? नहीं लगता है आपको? ये नाते मामला इतना साफ नहीं है, संगीन है। अब जल्दी जल्दी इसका निपटारा हो, जो भी जैसा भी फैसला हो तो आपको बताते हैं। ये मियाँ मिट्ठू का अगर जानना चाहते हैं ये लोग कौन है, ये डकैत लोग सरकार को, पाकिस्तान सरकार को बात कर रहे हैं कि सरकार से कहिए, कि भारत सरकार से कहे और हिंदू कम्युनिटी से बात करके, मामूली बेइज्जती नहीं हुआ है, नाके कट गया है, सीमा आ गई है नोएडा। और नोएडा तो वैसे ही कुछ भी करता है तो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। चलिए इसी बहाने एक बार थोड़ा सा हड़कंप मचा है, अब देखिए क्या होता है। काम धंधा करिए, छोड़िए, यहीं छोड़ दीजिए। अब हम जानते हैं कि अगले वीडियो में तो हम नहीं ये बनाएंगे, यहीं पे एक किस्सा कहानी खत्म करते हैं। नमस्कार।